एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में एक पासपोर्ट दिखाया गया है जिसके अंदर कुछ हिसाब किताब किया गया है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर पासपोर्ट को हिसाब किताब की डायरी क्यों बना दिया गया है? यह कारनामा आखिर किसने किया? इस कारनामे का खुलासा उस समय हुआ जब यह पासपोर्ट रिन्यू होने के लिए अधिकारियों के पास भेजा गया। तो चलिए आपको बताते हैं यह मजेदार खबर। एक इंसान के लिए जन्म प्रमाण पत्र से लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन्हें संभाल कर रखना बेहद जरूरी होता है। इन्हें वक्त वक्त पर चेक भी करते रहना चाहिए, नहीं तो कहीं इस शख्स की तरह आपके डॉक्यूमेंट के साथ भी कोई खेल ना हो जाए। क्योंकि जब एक शख्स ने काफी दिनों बाद अपना पासपोर्ट देखा तो उसमें कुछ देखने लायक बचा ही नहीं था। दरअसल पासपोर्ट से जुड़ा ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी पेट पकड़ कर हंसने को मजबूर हो जाएंगे। अक्सर घूमने फिरने या फिर नौकरी करने के लिए किसी दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट का होना जरूरी है। देखा जाए तो असल में पासपोर्ट लोगों की पहचान होती है, जिससे पता चलता है कि वो किस देश के नागरिक है। बैंक पासबुक की तरह ही पासपोर्ट को भी समय समय पर रिन्यू करवाना पड़ता है। एक ऐसा ही पासपोर्ट जब रिन्यू होने पहुंचा तो पासपोर्ट कर्मी भी हक्के बक्के रह गए। दरअसल पासपोर्ट कर्मी ने जब उसे खोला तो देखा कि ये पासपोर्ट नहीं बल्कि इसे तो घर के हिसाब किताब वाली डायरी बना दी गई थी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स के पासपोर्ट में मोबाइल नंबर ही नहीं बल्कि घर खर्च का हिसाब किताब भी लिखा हुआ है। രാജു പത്രം അമ്പലി ചേച്ചി അതായത് ബാക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബിന്ദുവിന് 2000 രൂപ കൊടുത്ത്, കല്യാണത്തിന് 1000, തുളസിക്ക് 500, എണ്ണ 500, മല്ലിപ്പൊടി ചേച്ചി 1000 കൊടുത്ത് ചിത്തി, ബാക്കി പക്വവിന് എനിക്ക് വലിയ കണക്കുണ്ട്, 6000, 2000, പിന്നത് കല്യാണത്തിന് 2000, മാവേലി സോല് 500, പണയം 5000. ഇത് ഗതികേട് വേറെ ആർക്കും വരണ്ടേ ഇത്. हम इस वीडियो के सही होने का दावा नहीं कर रहे हैं, पर वीडियो में जो दिख रहा है वह आपकी आंखों के सामने है। वैसे कहा जा रहा है कि जब ये पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आया तो उसे देखकर पासपोर्ट अधिकारी भी हौचक्के रह गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर किया गया। अब तो ये वीडियो इतना वायरल हो गया है कि इसको खूब देखा और शेयर किया जा रहा है। दरअसल पासपोर्ट में जो चीजें लिखी हुई है वो मलयालम में है। वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि एक बुजुर्ग शख्स ने रिन्यूअल के लिए अपना पासपोर्ट दिया। उन्हें नहीं पता था कि उनके घर के लोगों ने उनके पासपोर्ट के साथ क्या खेल कर दिया। जिस अफसर ने इसे देखा वो अभी तक शॉक से नहीं निकल पाया है। वीडियो पर यूजर्स अब तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।